जम्मू कश्मीर सरकार से बीजेपी के हटने के बाद राष्ट्रपति ने सूबे में राज्यपाल शासन लगाने की अनुमति दे दी। सूबे में अब अगले 6 महीने तक राज्यपाल का शासन होगा। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या होता है राज्यपाल का शासन। भारत के अन्य राज्यों में प्रदेश की सरकार के विफल रहने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में 6 माह के लिए राज्यपाल शासन लागू किया जाता है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही हो सकता है। दरअसल भारत का संविधान जम्मू कश्मीर को ये विशेष दर्जा प्रदान करता है और ये देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास अलग संविधान और नियम हैं। देश के अन्य राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यपाल शासन के अंतर्गत राज्य विधानसभा या तो निलंबित रहती है या उसे भंग कर दिया जाता है। मौजूदा परिस्थिति को मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 8 बार राज्यपाल शासन लगाया जा चुका है। रियासत में पहली बार 26 मार्च 1977 को राज्यपाल का शासन लागू किया गया था। तब कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन वापस ले लिया था। इस दौरान सूबे में 105 दिन तक राज्यपाल का शासन रहा। इसके बाद मार्च 1986 में सूबे में दूसरी बार राज्यपाल का शासन लगाया गया, जो 6 मार्च 1986 से 7 नवंबर 1986 तक कुल 264 दिन रहा। इस बार कांग्रेस ने रियासत में कानून व्यवस्था को आधार बनाकर सरकार से समर्थन वापस लिया। उस वक्त सूबे में आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में सरकार थी। रियासत में तीसरा और सबसे लंबा राज्यपाल शासन 6 साल 264 दिन चला। 19 जनवरी 1990 को लागू किया गया और 9 अक्टूबर 1996 को हटाया गया। ये राज्यपाल शासन फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद लागू हुआ था। इस वक्त भी जगमोहन ही राज्यपाल थे। इस दौरान आतंकवाद चरम पार होने के चलते चुनाव नहीं हो सके थे। जम्मू कश्मीर में रियासत में चौथी बार राज्यपाल का शासन 18 अक्टूबर 2002 से 2 नवंबर 2002 के बीच लागू किया गया। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी की हार के बाद दोबारा सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उस वक्त जीसी सक्सेना राज्यपाल थे। 2 नवंबर 2002 में 12 निर्दलीय विधायकों के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सीएम पद की शपथ ली। पांचवी बार सूबे में राज्यपाल शासन 11 जुलाई 2008 को लगाया गया, जो 5 जनवरी 2009 में लागू रहा। दरअसल तब पीडीपी ने अमरनाथ भूमि विवाद के चलते गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सूबे में दिसंबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर कार्यवाहक सीएम उमर अब्दुल्ला ने 7 जनवरी 2015 को गद्दी छोड़ दी। नई सरकार के चुने जाने तक राज्यपाल शासन रहा। 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद राज्यपाल शासन लगाया गया। सातवीं बार मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद लागू किया गया राज्यपाल शासन। वीडियो डेस्क, नई दिल्ली।